हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो आज का दिन मंथ हमारा क्लोज हो गया है, ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो गया होगा, तो हम लोग मंथली व्यू देखेंगे। प्लस हम लोग नेक्स्ट वीक का पूरा ओवरव्यू देखेंगे एंड मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, इसकी भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले तो लास्ट डे जैसा डिस्कस किया था, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे की ओर क्लोज हुआ था और हम लोगों ने बात किया था अगर ये अपना ये लेटेस्ट स्विंग ब्रेक करता है तो इस कैंडल का ही हमारा पहला टारगेट होगा और इस कैंडल का जो लो है वो हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये आज के दिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बायर्स ने कोशिश ज़रूर किया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स हैं और इसको नीचे लेके गए और फिर से कहीं ना कहीं इसने क्लोजिंग बीच में हम लोग को दिया है। तो हम लोग को यहाँ पे ना बाइंग ना सेलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी ओर एक स्ट्रांग मोमेंटम नहीं था बोल सकते हैं और बीच में क्लोजिंग मिला है। मतलब अभी ये जो लास्ट मोमेंटम था, ये अगर बड़ा वाला आप कैंडल देखेंगे, ठीक है, तो यही वाला मोमेंटम हम लोग अभी भी कंसिडर करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी बाइंग वाला जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है एंड ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को मोमेंटम मिलेगा। क्यों, इसके पीछे का दो रीज़न है। एक तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, उसके बाद ये अपने आप को यहाँ पे बेस आउट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बेस बना के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग डायरेक्टली मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, इसने जो रैली स्टार्ट की है कहीं ना कहीं 800 के लेवल के 8000 का लेवल हम लोग मान लेते हैं, इस लेवल से स्टार्ट किया है एंड उसके बाद पहला ब्रेक यहाँ पे लिया इसने एंड सेकेंड ब्रेक अभी यहाँ पे लिया। लेकिन पहला ब्रेक देखेंगे तो आप छोटे छोटे कैंडल बना के अगर किसी ने ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड किया होगा वीकली टाइम फ्रेम पे तो उसको ब्रेकआउट मिलके एक अच्छा मोमेंटम मिला होगा। लेकिन ये जो सेकेंड वाला हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है, ये वाला मोमेंटम, ये थोड़ा सा चॉपी नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसके पहले वाला भी अगर किसी ने ब्रेकआउट प्ले किया होगा तो इसी तरीके से प्ले कर लिया होगा और बहुत ही आसान तरीका था और यहाँ पे ये भी देखेंगे तो इस तरीके से प्ले किया होगा। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी कोई ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ पर सिनारियो नज़र नहीं आ रहा है। अगर इन तीनों कैंडल के टॉप को आप मैच करेंगे तो इस तरीके से मैच होगा, लेकिन आपको फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है और नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल ऊपर जाके यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेकडाउन भी कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको किस तरीके से ये यहाँ पे एक्सपांड कर रहा है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग लास्ट मंथ का, मतलब अभी जो मंथ कैंडल क्लोज हुआ है अगस्त का, अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि ये जो इसका एवरेज प्राइस है 12,500, उसी के आसपास पिछले 4-5 महीने से उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है लेकिन क्लोजिंग हम लोगों को किसके आसपास मिली है अभी 12,400-12,500 के आसपास, तो उसी के एवरेज पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। थर्ड, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अभी फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है लास्ट मंथ का, बिल्कुल अच्छा कैंडल बना था, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग को एक फॉलो अप कैंडल मिलना था लेकिन मिला नहीं। उसके जगह हम लोग को क्या मिला, एक नेगेटिव कैंडल मिला और ऐसा नेगेटिव कैंडल मिला जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी सब लोग का एसएल यहाँ पर हिट हो गया होगा और ये फिर से इसी जोन में कहीं ना कहीं वापस आ गया। अब इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल बनना यहाँ पे, ठीक है, टेक्निकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम लोग को एक पुल बैक जरूर देखने को मिला है, ठीक है, लास्ट मंथ में थोड़ा सा हम लोग को लास्ट में पुल बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कैसे ये बिहेव करेगा एंड लॉन्ग टर्म में कैसे बिहेव करेगा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो हो जाता है क्योंकि कोई शेयर क्या होता है ऊपर से गिर रहा है और नीचे सपोर्ट हिट किया, बहुत ऊपर से गिर रहा है नेगेटिव बना के, ठीक है, हिट किया तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बाउंस बैक दे, फिर जाके एक रेजिस्टेंस हिट करे, फिर जाके हिट करे, तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर बहुत थोड़ी सी लगेगी लेकिन कहीं से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए अभी हम लोग को मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ये नेगेटिव लग रहा है एंड ऐसे सिनारियों में अगर ये 12,000 का लेवल ब्रेकडाउन करता है, जो कि करना नहीं चाहिए क्योंकि जिस तरीके से 4-5 महीने से अपने आप को संभाल के रखा है, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, अगर नीचे जाए भी तो ये लगभग यहाँ पे 200-300 नीचे आने के बाद फिर से बाउंस बैक ऊपर की ओर दे दे, ऐसा सिचुएशन बनने की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे हाई है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एंड किसी भी सिनारियों में अगर यहाँ पे इमीडिएट एक ग्रीन कैंडल बन जाता है जिसकी क्लोजिंग 13,400 के आसपास होती है तो मान के चलिएगा नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा और ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ नोट करिएगा, अगर इन पॉइंट्स को हम लोग मैच करेंगे तो इस तरीके से ये एक्सपांडिंग और नीचे चैनल के फॉर्म में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन हमारा एक्सपांड होते जा रहा है, नीचे ओर भी अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस तरीके से ये एक्सपांड हो रहा है। अभी फिलहाल लगभग नीचे
12,000 के ये वाला जो कैंडल अगर आप देखेंगे तो 12,000 के आसपास इसने लो लगाया, पिछला जो लो लेवल था उसको रिटेस्ट किया एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, ठीक है। 12,000 का शेयर है, अगर 500 मोमेंटम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं बोला जाएगा, ठीक है। 3-4% का 3 वीक में लास्ट मोमेंटम किया है और क्लोजिंग फिर से हम लोग को नीचे दे दिया है। तो इस रेड कैंडल से आज के दिन थोड़ा सा ब्रेकआउट मिल गया, अदरवाइज इसी रेड कैंडल के अंदर पूरा का पूरा हम लोग को मोमेंटम पिछले 3 वीक 4 वीक से देखने को मिल रहा है। तो इसी कैंडल के हाई को हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे एंड ऊपर की ओर 12,000, ठीक है, आज का हाई लगा है 12,570। तो हम लोग क्या करते हैं, 12,575 का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर की थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे, अगेन बहुत ज़्यादा ऊपर की प्लानिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इन पॉइंट्स अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो जस्ट इनके आसपास आएगा, ठीक है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम लोग को पता चलेगा, तो यहाँ पे इन्हीं लेवल्स के आसपास आने वाला है। तो फिर से ऐसा ना हो कि ये इसी ट्रेंड लाइन या फिर 12,700 800 के आसपास से हम लोग को एक रिजेक्शन दिखाए और फिर से इसी जोन में आके ट्रेड करने लगे। इसीलिए जो भी ट्रेड कर रहे हैं बहुत ही कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा। अगर आप जाके ऑप्शंस खरीद लेते हैं इस होप में कि यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा, ब्रेकडाउन जाके नीचे निकल जाएगा, तो ऐसा आपने बार बार किया होगा और आपको लॉस हुआ होगा अभी तक, क्योंकि पिछले 1 महीने से तो इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो बहुत लोगों का यहाँ पे लॉस भी हुआ होगा, हो सकता है शॉर्ट टर्म में किसी ने पैसे बना लिए हों लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसे नहीं बने होंगे, ठीक है। मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कैश में ट्रेड करता हूँ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगेन मैं बता दूँ आपको, ट्रेड नहीं करता हूँ, छोटे छोटे क्वांटिटी में ही मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। अगेन हम लोग अपनी एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम पे जैसा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं और सारे पॉइंट्स को मैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट हमारे यहाँ पे टच हो रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे टच हो गए हैं। अब इन लेवल से अगर ये ऊपर क्यों निकलता है, जैसा कि हमने बात किया 12,575, तो अगर ये यहाँ से जाएगा तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाते जाते हम लोगों को लगभग लगभग ये 12,800 वाला लेवल जैसे ही टच करेगा, यहाँ से फिर से अगेन इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है एंड ये रेजिस्टेंस इसको नीचे की ओर लेके आ सकता है। तो 12,575 का एक तो क्लियर हो गया, ये ऊपर की ओर जाएगा तो पहला इसको लेवल 12,675 एंड उसके बाद 12,800 के आसपास का हम लोग को लेवल देखने को मिलेगा। एंड अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब मंडे ट्यूसडे में ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे पहला हॉल्ट ये लेगा लगभग लगभग 12,700 के आसपास, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर क्यों निकलता है तो इसको प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे आके अगेन ये फिर धीरे धीरे स्लोली 12,800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा एंड जैसे ही हम लोग का ट्रेंड लाइन यहाँ पे हिट होगा, ठीक है, जैसे ही हमारा ट्रेंड लाइन मैच होगा फिर से एक रेजिस्टेंस हम लोग को मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे टाइम स्पेंड करके फिर से ब्रेकआउट दे रहा होगा तो ये फिर 13,000 एंड उसके बाद 13,120 के आके टच कर सकता है, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। ये यहाँ पे चैनल पैटर्न हम लोग मान सकते हैं, अगर इस चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है तो यही हमारा नेक्स्ट ऊपर की ओर लेवल होना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हो पाएगा फिर भी ओके। इस तरीके से हमारे पास एक ऊपर की ओर लेवल है, क्योंकि आज का यही हाई लगा है लास्ट लास्ट में, और नीचे की ओर अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मंडे के दिन अगर मार्केट ओपन होता है और इस कैंडल ग्रीन कैंडल का हाई है 12,575 के लेवल को ये निकालता है तो हम लोग ऊपर लगभग लगभग सबसे पहले जो लेवल प्लान करने वाले हैं वो 12,670 का करेंगे, ठीक है, तो अराउंड 100 पॉइंट्स हो गया एंड उसके बाद 12,730 का हम लोग दूसरा लेवल मंडे के दिन प्लान करेंगे। और मंडे के दिन क्या होगा 12,670 के आसपास, क्योंकि अभी देखिए क्लोजिंग हम लोग को नीचे मिली है, ठीक है, क्लोजिंग नीचे मिली है तो मतलब इस लेवल के आसपास जाएगा, थोड़ा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब 5-15 मिनट टाइम फ्रेम पे हो सकता है 2-3 कैंडल वहाँ पे रुक भी जाए, थोड़ा सा रिएक्शन मिले, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो हम लोग नेक्स्ट लेवल के आसपास जाएंगे। एंड यहाँ आने के बाद अगेन हम लोग को जिस तरीके से ये 2 कैंडल के बाद यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन गया, हो सकता है 1-2 नेगेटिव कैंडल बने, उसके बाद अगर ये लेवल रिटेस्ट करता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम लोग को धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है।
हम लोगों ने जैसे बात किया 12,800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर 12,800 ही हिट करता है तो हो सकता है ये नीचे आए, और अगर इस लेवल पे नीचे आता है तो ये जो ट्रेंड लाइन पीछे चली आ रही है हो सकता है इसको रिटेस्ट करे, इन लेवल्स को रिटेस्ट करके इस तरीके से फिर स्लोली ऊपर की ओर बढ़े। तो मंडे के लिए ऊपर की ओर प्राइस एक्शन अगर ये ब्रेकआउट देता है ट्रेंड लाइन तो इस तरीके से रहेगा, और नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है ठीक है, नीचे की ओर 12,300 ET का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग 12,330 तक का एक लेवल नीचे की ओर देख सकते हैं मंडे के दिन। तो इस तरीके से अभी ये मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ठीक है, जिस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंड है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है थोड़ा ऊपर की प्लानिंग कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ अगर ये ऊपर की ओर जाता है 800 900, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है बहुत ज़्यादा ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, अगेन वही हो रहा है बेस बन के, तो ये चीज़ बार बार अपने आप को जो रिपीट कर रही है, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और यहीं से नीचे आ जाए इस बार, तो ऐसा सिनारियो बन सकता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यस, आप अपनी पर्सनल एनालिसिस के बाद जो आपको इंटरेस्ट है ठीक है, जिस तरीके से आपका सिस्टम बोलता है आप बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेड करिएगा एंड उसी तरीके से अपना डिसीजन लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।